बिसमीम् अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कल रावला कोट शहर के तजारती सरगर्मियों के लिए मसरूफ़ तरीन नाला बाजार में पश्तून और मुकामी ताजरान की वीडियो सोशल मीडिया पर देखी वीडियो मुख्तफ़ कैप्शन के, के साथ मुख्तु आई पर अपलोड की गई थी मैंने इस बारे कोई तहकीक नहीं की कि यह वाक़ क्यों कर पेश आया अलबत सोशल मीडिया ही की वसात से बातें गर्दिश कर रही हैं कोई कहता है कि मुकामी ताजरों और पश्तून ताजरों के माबे झगड़ा था जो बिज़नेस जेलेसी का फैक्टर गर्दाना जाता है कोई कह रहा है कि पश्तून ताजर और मुकामी अफराद के मबेन लेन देन का झगड़ा था और यही वजह बनी इस झगड़े की तो किसी ने कहा कि फारवर्ड कोहटा हवेली से आए हुए वो लोग जो रावला कोट में तजारत करते हैं उनके और पश्तून ताजरों के माबे ये किसी बात पर उलझे और वही उलझाओ इस झगड़े की वजह बनी बहरहाल वजह कोई भी हो ठीक नहीं हुआ अब कुछ लोग इस मामले को जो आनन फाननन मामला था जो पहले से कोई प्री प्लान मामला नहीं था इस मामले को रियाती और गैर रियाती का रंग देने के दर पे हैं जो कल के वाक़े से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है रावला कोट के बेशतर लोग पाकिस्तान भर के अलावा बहुत से ममालिक में जिनमें मशरक़ वस्ती अमेरिका यूरोप बल्कि अंटार्कटिका को छोड़कर तकरीबन तमाम ही बरआज़मू में मेहनत मजदूरी और तजारत यानी रोज़गार की गर्ज से मुकीम है फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी भी मुल्क में वहाँ की मुकामी आबादी अगर हमारे लोगों पर तशद करें उनसे किसी तरह की ज़्यादती करें उनके कारोबार को डिस्टर्ब करें उनको हकारत की नज़र से देखें उनको कमतर गर्दाने कि ये मुकामी नहीं बल्कि कश्मीरी हैं तो हमारे महसूसात क्या होंगे मुझ समेत हम सबको अपने रवैयों पर गौर करना होगा बल्कि हमें अपने रवैयों को बदलना होगा दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है जहां दुनिया के हर हर गोशे में मुख्तलिफ ममालिक और मब के लोग एक साथ रहते हैं हमारा ये जो इलाका है आज़ाद कश्मीर का ये जो इलाका है ये दुनिया के खूबसूरत तीन इलाक़ों में शुमार होता है यहाँ सिया ये, ये जो इलाका है ये सियाहत के लिए आइडियल इलाका है और यहाँ पर सियाहत को फरोग देकर हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और इस सब के लिए हमें दूसरों की इज्जत करना होगी दूसरों को इज़्ज़त देना होगी उनके वजूद को बर्दाश्त करना होगा बाहर से जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके कारोबार को बर्दाश्त करना होगा जब हमारे रवैये ऐसे होंगे जिस तरह के इस वक़्त हमारे रवैये हैं तो फिर पहाड़ी की एक मशहूर कहावत है कि फिर कै सैया हमारे सामने जो मरी है मरी की ज़िंदा मिसाल मौजूद है हम अक्सर मरी के लोगों के लिए कहते हैं कि उन लोगों का रवैया दुरुस्त नहीं वो बदतमीज़ और बह लोग हैं मगर ये सच है कि हम उनसे चार कदम आगे हैं हम इलाकाई और बरदरी तसब के खोल में बंद हैं अना जिद, हट दर्मी और अदम बर्दाश्त हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है मीरपुर के इलाके को छोड़कर तकरीबन पूरे कश्मीर में इलाकाई और बरदरी इज़म जो है वो रूज पर है और यही हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है जो जहालत और कमजरफी भी है दुनिया के किसी भी खुशहाल खत्ते को देखें उसकी खुशहाली की वजह जानने के लिए रिसर्च करें तो मालूम पड़ेगा कि इंसानी रवैया ही कामयाब दुनियादारी के लिए अशद ज़रूरी है आप दुनिया की तरक्की को छोड़ें हम उखरवी ज़िंदगी के बारे में ही देखें तो बतौर मुसलमान हमारा फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे लोगों से उनके तो उस खा उनका ताल्लुक़ किसी भी ज़ात से हो किसी भी बरदरी से हो किसी भी ग्रोह से हो किसी मुल्क से हो किसी भी इलाके से हो वो हमारे हाथ और ज़ुबान के शर से महफूज रहे ये अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सौ फ़ीसद मुसलमान आबाद हैं जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो भी तकरीबन सौ फीसद मुसलमान हैं अगर कोई गैर मुस्लिम भी होता तो हमारा रवैया उसके साथ भी अच्छा होना इंसानियत का तकाजा है और यही मजहब की जो रूह है वो है और फिर रमज़ान शरीफ में तो बर्दाश्त का रवैया कायम रखना बर्दाश्त करना सबर का खसूसी ख्याल रखना इस वो और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि रोजे का मफूम ही बर्दाश्त करना है भूखा प्यासा रहना रोजा हरगज हरगज नहीं है जहाँ भूख प्यास को अल्लाह की खुशनुदी के लिए बर्दाश्त करना रोजे के लिए ज़रूरी है तो वहीं अपने नफ्स को काबू में रखना गुस्से से इज्तनाब करना सब्र करना बर्दाश्त करना रोज़े की रूह है अल्लाह पाक हमें रोज़े का मफोम समझने दूसरों की इज्जत करने की तोहफ़ी कता फरमाए हमें अल्लाह पाक उन लोगों में से बनाए जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाले लोग थे हमें अल्लाह पाक अपने पसंदीदा रास्ते पर चलने वाला बनाए वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़